बालाघाट पार्क एसोसिएशन के तरफ से 2023 काली पूजा के उपलक्ष्य पर जो थीम बनाया गया है ओम, प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सर्चिंग फॉर पास्ट यूट्यूब चैनल पे। नेहटी सिटी काली पूजा उत्सव 2023 का जो बैक टू बैक थीम आप लोगों को दिखा रहा हूं और नेक्स्ट थीम जो हम लोग आ पहुंचे हैं कहां पर बता दूं, दी लोहाघाट पार्क एसोसिएशन नेहटी का जो सबसे फेमस ये थीम यहाँ पर बनाया गया है। टॉप ऑफ द टॉप फेमस पूजा मंडप में से ये एक पूजा मंडप है। तो ये आप लोग एंट्री गेट देख रहे हैं और आप लोगों को बता दूं 365 दिन जो लोग इंतजार करते हैं नेहटी काली पूजा उत्सव का, यही चार दिन पूरे नेहटी सिटी को दुल्हन का तरह सजा दिया जाता है, जो कि लाइटिंग इफेक्ट आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए, दी लोहाघाट पार्क एसोसिएशन के तरफ से 2023 काली पूजा के उपलक्ष्य पर जो थीम बनाया गया है ओम, आखिर उसका पहला जो फुटेज है मैं आप लोगों को मेरे चैनल पर दिखा रहा हूँ और जब बन रहा था तो इसका प्रिपरेशन में आप लोगों को दिखाया था और अभी तो धीरे धीरे हम लोग मेन गेट से एंट्री कर ही रहे हैं। तो जब तक एंट्री नहीं करते हैं तब तक कुछ खासियत बता दूं इस मंडप का। महादेव, आप लोगों को बता दूं देवादिदेव महादेव जो कि ब्रह्मांड के रचयिता है, ठीक उन्हीं के बेस पर यहाँ का थीम बनाया गया है और जो ओम नाम दिया गया है, ओम जो लिखा हुआ वर्ड है उसी वर्ड को यहाँ पर डिज़ाइन करके बनाया गया है और लेजर लाइटिंग का इफेक्ट भी आप लोगों को देखने मिलेगा। तो चलिए अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा और द लोहाघाट पार्क एसोसिएशन के क्लब के मेंबर को ग्रेट सैल्यूट है, वो लोग नहीं होते तो इस तरीके का भव्य थीम देखने नहीं मिलता। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए अब हम लोग आ पहुँचे हैं मंडप के अंदर और कितना क्या दृश्य होने वाला है सारा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखाने वाला हूँ। लोहाघाट पार्क एसोसिएशन के तरफ से 2023 काली पूजा के उपलक्ष्य पर जो ये थीम बनाया गया है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से दिखा दिया हूँ। आप लोगों को बता दूँ हिंदू धर्म के जितने भी फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जितने भी पूजा पाठ कराए जाते हैं, ओम मंत्र से ही हर एक पूजा पाठ स्टार्ट होता है। और आप लोगों को बता दूँ कोई भी मंत्र का हम लोग जाप करते हैं तो उससे पहले ओम लगाया जाता है। तो ठीक सच में एक गर्व करने वाली बात है कि वेस्ट बंगाल की संस्कृति, वेस्ट बंगाल का कल्चर हर एक फेस्टिवल में कुछ इस तरीके से उभार कर दिखाया जाता है कि मानो एक छिपा हुआ जो चीज़ या फिर हम लोग उस चीज़ को दबा दे रहे हैं उसको ये लोग उभारते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि 2023 जो 21 सेंचुरी चल रहा है, बढ़ते हुए डिजिटल के दौर पर जो हमारे यंग जनरेशन है वो लोग डिजिटल के तरफ भागते जा रहे हैं। यही 365 दिन में कुछ दिन होता है फेस्टिवल का कि इसी फेस्टिवल में हमारे जो दबती हुई संस्कृति को, दबती हुई कल्चर को, विरासत को दर्शाते हैं और यंग जनरेशन को दिखाते हैं। तो दोस्तों नेहटी का दी लोहाघाट पार्क एसोसिएशन के तरफ से जो इस बार का ये ओम थीम बनाया गया है, ग्रेट सैल्यूट है क्लब के सभी मेंबरों को। ये लोग नहीं होते तो इतना अच्छा भव्य जो ये दृश्य है वो हम लोग नहीं देख पाते। तो चलिए फिलहाल अब चलते हैं अंदर और माँ काली का जो ये भव्य मूर्ति किस तरीके से विराजमान किया गया है वो आप लोगों को दिखाऊँगा।
2023 द लोहाघाट पार्क एसोसिएशन के तरफ से जो इस बार का ओम थीम जो आप लोगों को दिखाया जा रहा है, आप लोगों को बता दूं अंदर में जो आप लोग जितना भी डिज़ाइन और ये डेकोरेशन देख रहे हैं मंडप का, ये सारा बांस से बनाया हुआ है। बांस से कटिंग कर सारा चीज़ यहाँ पर डेकोरेट किया गया है। सच में लोग बोलते हैं कि कलाकारी का अंत नहीं है, और सच में वेस्ट बंगाल का जो ये फेस्टिवल है, जब हम लोग कवरेज करते हैं तो कवरेज करते दौरान जब हम लोग ये सब दृश्य देखते हैं तो ये मानने पर हम लोग मजबूर हो जाते हैं कि हाँ, कलाकारी का अंत नहीं है। तो चलिए इसी तरह से बैक टू बैक नेहटी सिटी का हर एक पूजा मंडप आप लोगों को अभी दिखाता ही रहूँगा। आप लोगों के साथ मेरा ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं होता है, अभी आने वाले दिन में ऐसे ही चलता रहेगा। तो चलिए अब मिलेंगे सीधे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पूजा मंडप के साथ, कुछ नए थीम के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।